2021 के 27वें मुकाबले में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों में शुरुआत अच्छी रही, भले रुतुराज गायकवाड़ चौके से अपना खाता खोल के 4 रन पर ही ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या को कैच देकर आउट हुए, लेकिन फाफ डुप्लेसिस धीमी गति से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी किए। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 28 गेंदों में 50 रन बनाकर किरण पोलार्ड की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को कैच देकर आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद उतरे मोइन अली शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बरसात किए। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 36 गेंदों में 58 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में क्विंटन डीकॉक को कैच देकर आउट हुए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद उतरे अंबाटी रायडू शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेल रहे थे। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 27 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद रहे और रविंद्र जडेजा अंबाटी रायडू के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाकर 22 गेंदों में 100 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 22 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट द्वारा शुरुआत किया गया। ट्रेंट बोल्ट शानदार शुरुआत किए। वे अपनी पहली ओवर में 4th गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका दिए और वे अपने 4 ओवर में 10.50 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन दिए। धवल कुलकर्णी 4 ओवर में 14 इकोनॉमी रेट के साथ 48 रन देकर एक्सपेंसिव रहे और जसप्रीत बुमराह भी इस मैच में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाए। वे अपने 4 ओवर में 14 इकोनॉमी रेट के साथ 56 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। राहुल चाहर भी प्रभाव दिखाने में असफल रहे। वे अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन दिए। जेम्स निशाम 2 ओवर में 13 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन दिए और किरण पोलार्ड शानदार गेंदबाजी करके 2 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन देकर 2 विकेट लिए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद उतरे अंबाटी रायडू शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेल रहे थे। वे केवल चौके छक्कों से ही 58 रन बनाए। उन्होंने केवल 20 गेंदों में 20वां आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। वे रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 102 रनों की साझेदारी बनाए और वे अंत तक अजय रह के अपने पारी में 27 गेंदों में 266.67 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 7 छक्के की मदद से 72 रन बना के मुंबई इंडियंस के सामने एक भारी लक्ष्य रखने में मुख्य भूमिका निभाए। चेन्नई सुपर किंग्स पहले ओवर में ही ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट खोए थे और मोइन अली बल्लेबाजी करने उतरे। वे शुरुआत से ही तूफानी बल्लेबाजी करके मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के ऊपर काफी दबाव रखे। वे 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके अपने करियर का 4th आईपीएल अर्धशतक पूरा किए। वे फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर 108 रनों की साझेदारी बना के 112 रन पर बुमराह की गेंदबाजी में कीपर क्विंटन डीकॉक को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 36 गेंदों में 161.11 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। ओपनर फाफ डुप्लेसिस शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे। वे स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाउंड्रीज लगाकर मोइन अली के साथ पारी को संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए। वे अपने आईपीएल करियर में 20वां अर्धशतक पूरा करके किरण पोलार्ड की गेंदबाजी में स्वीप शॉट मारने के चक्कर में शॉर्ट फाइन लेग फील्डर जसप्रीत बुमराह को कैच देकर पेविलियन लौट गए और वे अपने इनिंग्स में 28 गेंदों में 178.57 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। मोइन अली के विकेट गिरने के बाद कप्तान रोहित शर्मा किरण पोलार्ड को गेंदबाजी करने का अवसर देकर अच्छा निर्णय लिए, क्योंकि वे अपने पहले ओवर में ही फाफ डुप्लेसिस और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों को आउट करके
मुंबई इंडियंस को इस मैच में वापसी कराए और वे अपने दो ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन देकर 2 विकेट लिए। 219 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का शुरुआत अच्छा रहा। क्विंटन डिकॉक शानदार बल्लेबाजी करके कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाए, लेकिन वे 28 गेंदों में 38 रन बनाकर मोइन अली की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा भी शानदार बल्लेबाजी करके अपने पारी में 24 गेंदों में 35 रन बनाकर शरदुल ठाकुर की गेंदबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे सूर्य कुमार यादव केवल 3 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में MS धोनी को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कुणाल पांड्या शानदार बल्लेबाजी करके किरण पोलार्ड के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए। वे 17 ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। वे अपने पारी में 23 गेंदों में 139.13 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक के बाद उतरे किरण पोलार्ड अपने फौलादी बल्लेबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को काफी परेशान किए। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 34 गेंदों में 87 रन बनाकर नाबाद रहे। कुणाल पांड्या के बाद उतरे हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ बाउंड्रीज लगाए। वे अपने पारी में 7 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 16 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में डुप्लीसिस को कैच देकर आउट हुए। सातवें स्थान पर उतरे जेम्स निशाम बिना कोई रन बनाए सैम करन की गेंदबाजी में शरदुल ठाकुर को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ इस रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस 4 विकेट से जीत हासिल किए। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरू किया गया। दीपक चाहर अपने 4 ओवर में 9.25 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। सैम करन शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। लुंगी नेगदी 4 ओवर में 15.50 इकोनॉमी रेट के साथ 62 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। शरदुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 14 इकोनॉमी रेट के साथ 56 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया। रविंद्र जडेजा अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 9.67 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 1 विकेट लिए। वे अपनी पहली ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को कैच आउट किया और मोइन अली अच्छी गेंदबाजी करके 1 ओवर डाल के 1 इकोनॉमी रेट के साथ 1 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उन्होंने क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया। किरण पोलार्ड शुरुआत से फौलादी बल्लेबाजी करके लगातार बाउंड्रीज जड़े। वे चौथी विकेट के लिए कुणाल पांड्या के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर इस मैच में मुंबई इंडियंस को एक नई उम्मीद जगाए। वे केवल 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और यह उनका सीजन का पहला शतक है। वे अंत तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपने टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाए। वे अपने पारी में 34 गेंदों में 255.88 स्ट्राइक रेट के साथ 8 छक्के और 6 चौके की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद रहे। क्विंटन डिकॉक भी शुरुआत से अच्छा खेले थे। वे रोहित शर्मा के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वे मोइन अली की गेंदबाजी में 81 रनों पर उन्हीं को कैच देकर पेविलियन लौट गए। वे अपने इनिंग्स में 28 गेंदों में 135.71 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा पॉजिटिव शुरुआत देकर शानदार खेल खेले। वे क्विंटन डिकॉक के साथ पहले विकेट के लिए 71 रन बनाए और वे 8वीं ओवर की चौथी गेंद पर शरदुल ठाकुर की गेंदबाजी में बाउंड्रीज के पास ऋतुराज गायकवाड़ को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 24 गेंदों में 145.83 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। सैम करन शानदार गेंदबाजी करके कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और जेम्स निशाम का विकेट लिए। वे अकेले गेंदबाज है जो इस मैच में
किरण पोलार्ड को भी परेशान किए, लेकिन उनका विकेट लेने में असफल रहे। वे अपने चार ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर 3 विकेट लिए।